सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। साथियों, मई 3, 2023 को मणिपुर में दंगे शुरू हुए थे। हजारों की संख्या में वहां पर घर जलाए जा चुके हैं, लोगों को मारा जा चुका है, रेप्स मॉलेस्टेशन के केसेस हुए हैं। दो समुदायों के बीच आज तक एक साल के ऊपर भी दंगे रोक नहीं पाई वहां की डबल इंजन की सरकार। जब लगातार एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने की डिमांड उठने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री रहे, तो अमित शाह जी ने सदन के पटल में कहा कि हमें उनसे हर तरह की कोऑपरेशन मिल रही है, इसलिए उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। ये क्या कोऑपरेशन थी और क्यों उनको अब तक हटाया नहीं गया, उस बात का जवाब शायद उन टेप्स में निकलकर सामने आया है जो एक जुडिशियल इंक्वायरी के साथ जुडिशियल कमीशन के सामने रखी गई हैं। एफिडेविट समेत ये टेप्स रखी गई हैं। सुनिए, बताया जा रहा है कि ये एन बीरेन सिंह जी की आवाज है और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बिशप देखना जरा। चुपके से करना है, ओपनली नहीं करना है। अमित शाह जी ने उनको कहा बॉम्ब मत, तुम बॉम्ब मारता है। वो हंसते हुए सबको बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा अरे बीरेन सिंह तुम बॉम्ब मारता है, नहीं मारना है। डीजी को बुलाकर अमित शाह जी ने समन किया, कहा बॉम्ब नहीं मारना है, और बीरेन सिंह जी कह रहे हैं चुपके से यूज करना है। दो समुदाय के बीच में शांति बनाने की बजाय वहां के मुख्यमंत्री इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बॉम्ब चुपके से मारना है। क्या यही वजह है जो अब तक वहां पर राइट्स कंट्रोल नहीं हुए, शांति कायम नहीं हुई, प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी अब तक मणिपुर नहीं गए, लोकसभा चुनाव के प्रचार के टाइम भी प्रधान प्रचारक मणिपुर नहीं गए? क्या यही वजह है? क्या इसी कोऑपरेशन की बात कर रहे थे अमित शाह जी सदन के पटल पर, जिस वजह से इनका इस्तीफा नहीं लिया गया? इससे भी ज्यादा भयावह है, मुझे लगता है आप सबको पता होगा कि मणिपुर का इंस्टेंस हम सबके सामने कब आया, जब हम सबने देखी वो वीडियो, वो वायरल वीडियो जिसमें कारगिल योद्धा की वाइफ को नग्न अवस्था में इधर उधर हाथ लगाते हुए, प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाते हुए परेड कराया गया, और उनको परेड कराने के बाद उनके साथ रेप किया, उनका टॉर्चर हुआ। बकायदा टेस्टिमनी है इस बात की, उन महिलाओं की, ऑन रिकॉर्ड। और बीरेन सिंह जी क्या कह रहे हैं उस इंसिडेंट के बारे, जिस इंसिडेंट ने हमारे सबके कॉन्शियंस को झंझोर दिया था, उस इंसिडेंट के बारे सुनिए टेप्स में क्या खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री मणिपुर के बीरेन सिंह जी क्या कहते हैं? मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देती हूँ साथ साथ, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात हो रही है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है ऑन द टेप, देयरफॉर आई एम एबल टू ट्रांसलेट। देन द केस ऑफ टू वुमेन परेडेड नेकेड, हाउ बैडली वी वर शेम्ड। Why didn't even one group come out and assert? It was a bit difficult for me to speak out then.
even though I've started speaking it out now. They should have said, where is the proof? How can you say that they were raped? Can you imagine? The CM saying this. The brother and the uncle were killed by a mob of a lakh, by 10,000 people. We should have said that it is we who have saved them from the mob. We should have said that it was so unsatisfactory. We should have taken the credit of saving them, clothing them and sending them home. We were shamed worldwide with this incident. I told them that something should be done about this through the press. आप देखिए वो कह रहे हैं कि जिस मॉब ने इनको जो दो महिलाओं को कारगिल योद्धा की वाइफ को नग्न अवस्था में परेड कराया जिस मॉब ने और उसके बाद उनका रेप किया. बीरेन सिंह जी कहते दिख रहे हैं कि हमें कहना चाहिए था कि वो मॉब ने तो उनको कपड़े पहनाए, उनको घर भेजा कपड़े पहनाकर, और क्या सबूत है इस बात का कि उनका रेप भी हुआ. ये स्थिति थी मणिपुर की. ये वहां के सीएम हैं, ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है. क्या इनका इनको बेटियों की इज्जत, महिलाओं की इज्जत के प्रति कोई भी संवेदना है? आपको दिखा इन ऑडियो टेप्स में, या आपको दिखता है कि योगी, या आपको तब दिखता है जब योगी आदित्यनाथ जी स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ लगे सेक्सुअल असॉल्ट के केस को माइनर के अगेंस्ट वापस लेने का निर्देश पारित कर देते हैं, या आपने देखा कि कथुआ में रेपिस्ट के साथ खड़ी हो गई भाजपा सरकार, या आपने देखा कि ब्रिजभूषण के साथ खड़ी हो जाती है भाजपा सरकार, या आप देखते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना केली को टिकट मिलती है और उसके लिए वोट मांगते हैं मोदी जी, या आप देखें फ्रेंड्स और बीजेपी के बाहर के अध्यक्ष बालेश ढंकर, उसको वर्स्ट रेपिस्ट ऑफ द सेंचुरी बताया गया. ये सब लोग भाजपा में ही क्यों होते हैं, क्यों इतना एम्बोल्डन हो जाते हैं? क्या आपको लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर नेता ऐसी हरकतें करें और उनको पूरा संरक्षण टॉप से मिल रहा हो, तो क्या ये डर पैदा करेगा आदमियों के जहन में महिलाओं को मोलेस्ट करने के प्रति, या उनको मनोबल बढ़ेगा? खैर, वापस मणिपुर के मुद्दे पर आते हुए, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डिटेल्स इमर्ज हुई हैं. डेफिनेटली इस पर गृह मंत्रालय को और बीरेन सिंह जी को जवाब देना चाहिए. क्यों अब तक बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं, क्यों उनको हटाया नहीं जा रहा, ऐसी क्या मजबूरी है, क्या कोऑपरेशन की थी उन्होंने दिल्ली के साथ बीरेन सिंह जी ने, जो अब तक उनको हटाया नहीं जा रहा? एक साल से ऊपर हो गया है और शांति स्थापित नहीं हो पा रही मणिपुर में. बहुत जरूरी है सवाल पूछे जाए और बीरेन सिंह जी को भी इमीडिएट प्रभाव से डिसमिस करना चाहिए, वहां पर उस गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए. नहीं तो चाहे महिला हो, चाहे रायट्स हो, ये हमारे देश में रुकेगा नहीं. ये पूछना जरूरी है कि ऐसे गृह मंत्री जो कह रहे हैं चुपके से बॉम्ब फेंकना है, क्या इनके गाइडेंस में हमारा देश सुरक्षित है? क्या हमारी बेटियां ऐसे लोगों के अंडर सुरक्षित है जो कह रहे हैं कि रेपिस्ट्स को अवार्ड मिलने चाहिए? ये कहा है उन्होंने उस ऑडियो टेप में कि हमें सिचुएशन को टर्न अराउंड करके दिखाना चाहिए था कि हमने तो हेल्प की, मॉब ने हेल्प की उन लड़कियों की, कपड़े दिए और उनको अवार्ड किया जाए. ये कह रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री. इट इज एक्सट्रीमली शेमफुल एंड क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी सेट. थैंक यू.